पश्चिमी राजस्थान में मरुप्रसार के लिए कई दशकों से सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन औद्योगिक प्रसार से परंपरागत मरुस्थलीय वनस्पति का खात्मा होने के कगार पर है। इन स्थितियों को देखते हुए अब बाड़मेर में कार्यरत कियन वेदांता कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाया है। पेश है डीसीएन लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट, बाड़मेर के बढ़ते कदम। बीते कुछ वर्षों से बाड़मेर में लगातार इस बात पर गंभीरता से बहस हर स्तर पर हो रही है कि कैसे मरुस्थल में प्रकृति का उहार यानी पेड़ पौधे बढ़ें, कैसे मरुप्रसार को रोका जाए। वन विभाग भी लगातार कई योजनाएं मरुस्थलीय क्षेत्र में संचालित कर रहा है। उद्देश्य यही है कि परंपरागत मरुस्थलीय वनस्पति को संरक्षित करके प्रकृति का संरक्षण किया जाए। बाड़मेर में कार्यरत ऑयल फील्ड की कंपनी कियन वेदांता ने बाड़मेर में ग्रीन बेल्ट विकसित करने के साथ साथ नए प्रयास किए हैं। कियन वेदांता ने एमपीटी समेत अपने सारे ऑयल फील्ड में भरपूर पेड़ पौधे लगाकर मिसाल पेश की है। यही नहीं, बाड़मेर में इन ऑयल फील्ड में ईंधन से चलने वाले वाहनों की बजाय साइकिल और इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग वाहन उपयोग में लिए जा रहे हैं ताकि कम से कम प्रदूषण फैले। यहाँ एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो यहीं पर खेजड़ी, गूगल, नीम, तुलसी समेत कई प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे तैयार कर उन्हें क्षेत्र में वितरित कर रहे हैं। स्थानीय ग्राम पंचायतों से लगाकर संबंधित विभागों के साथ मिलकर केएन वेदांता इस अभियान को तेज किए हुए है। केएन वेदांता प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर बीएस शेखावत इस अभियान को लेकर खासे उत्साहित हैं। उनका कहना है कि कियन वेदांता न केवल ग्रीन बेल्ट विकसित कर रही है बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों में जन जागरूकता का भी प्रयास कर रही है। लोगों का अच्छा खासा समर्थन भी इस अभियान में मिल रहा है। शेखावत के अनुसार कियन वेदांता का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम जिस जगह कार्य करते हैं वहां 33% हिस्से पर ग्रीन बेल्ट विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि कियन वेदांता ने कोरोना के समय क्षेत्र में औषधियों के पौधे माटे थे। शेखावत के मुताबिक 2030 तक 20 लाख पौधे हम लगाने वाले हैं। देखते थे कि कितना प्रकृति में चेंज हुआ है। केन का ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हम किसी भी इलाके के अंदर जमीन में जो कार्य करते हैं उसके 33% के अंदर हम पेड़ पौधे लगाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ से हम मुड़े हैं वो तो हमारा इलाका है, ये टोटल ग्रीन है। इसके अलावा हम लोगों ने बाड़मेर टाउन में, गांव के इलाकों में, बायतू में, हर जगह हम ट्री प्लांटेशन करते रहते हैं और ये हमारा विशेष प्रकार से ध्यान है। हमारे अनिल अग्रवाल फाउंडेशन का भी और हमारे चेयरमैन साहब का ये है कि इन्वायरमेंट को हर तरह से बचा के रखना है, इस प्रकार से हम प्लांटेशन करते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार हमने जो सरकार के साथ मिल करके जो दवाइयों के पौधे हैं, जो बांट औषधि वाले पौधे हर घर घर में बांटे हैं, लास्ट ईयर हमने प्लांटेशन की है। चाहे चित्र का पार हो, कोई भी इलाका हो, वहाँ पे हमने बहुत काम किया है। इस बार भी आपको बता दें, अभी जो हमारा प्रोग्राम है ESG के तहत हम लोग 2030 तक कम से कम भी 20 लाख पेड़ लगाने वाले हैं इस इलाके के अंदर। कियन वेदांता की ESG की प्रमुख इशिता खंजाची इस पूरे सिस्टम को लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इशिता बताती हैं कि 2050 तक हम शून्य कार्बन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, साथ ही किसानों को हम परंपरागत पेड़ पौधे ज्यादा लगाने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। थारीको सिस्टम के हिसाब से हमारा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें न केवल कार्य क्षेत्र बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्लांटेशन मिशन चलाया जा रहा है।
का हम है, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑयल एंड गैस उत्पादन में है, तो हम ऑयल एंड गैस उत्पादन के साथ यहाँ पे प्रकृति के संरक्षण के लिए भी बराबर से काम करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि बहुत लश ग्रीन बेल्ट एरिया हमने डेवलप किया है, ना कि हम 33% कंप्लायंस मीट कर रहे हैं, बट हम उससे बियॉन्ड जा रहे हैं। और कई सारी ऐसी प्रजातियाँ यहाँ पर है जो कि विलुप्त होने के कगार पे, तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि गूगल एक स्पीशीज होता है, तो हम उनके प्लांटेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी कंपनी के कुछ बिग एम्बिशन है, जैसे हम, जैसे कि आपने जानते होंगे कि 2070 तक भारत ने कमिट किया है कि हम नेट जीरो होंगे, तो हमारी कंपनी ने कमिट किया है कि बाई 2050 2050 तक ही हम नेट कार्बन जीरो एमिशन करेंगे, ठीक। और दूसरा हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि वाटर पॉजिटिविटी पे लेके, कि जितना भी पानी हम धरती से ले रहे हैं उतना ही हम रिप्लेनिश करें और उससे ज़्यादा रिप्लेनिश करें। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेके भी हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेट ट्री हमारा खेजड़ी है, तो खेजड़ी के प्रोपोगेशन पर हम काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद द विद इन द फैसिलिटी और बियॉन्ड द फैसिलिटी हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू भी, जहाँ हम फार्मर्स को सैपलिंग प्रदान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उसके अलावा हम, जैसे कि मैंने बताया, हम गूगल के लिए काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी ने गांगली फॉरेस्ट एरिया में एक वाइल्ड लाइफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का निर्माण किया है, और दूसरा एक और हम गुडा मलानी एरिया में डेवलप कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के जीव जंतु हैं उनको वहाँ पानी उपलब्ध कराया जा सके। एमपीटी ऑयल फील्ड में स्पेशल नर्सरी स्थापित की गई है। केएन वेदांता के अनुराग कहते हैं कि हमने डेजर्ट पार्क स्थापित किया है, जिसका मकसद है कि स्थानीय स्तर पर विकसित होने में सुलभ पेड़ पौधे तैयार किए जाएं। अलग अलग महोत्सव मनाकर हम विलुप्त होने वाली वनस्पति को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूं, आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये वन विभाग की कोई नर्सरी है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। यहाँ मैं एमपीटी इलाका, जो बाड़मेर का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, वहाँ मौजूद हूँ। और ये केन वेदांता ने यहाँ की प्रकृति के संरक्षण को लेकर एक प्रयास किया है, और ये कोशिश की है कि मरुस्थलीय इस इलाके की जो परंपरागत पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षित कैसे किया जाए और किस तरीके से इस मरुस्थलीय इलाके को हरा भरा किया जाए। हमारे साथ अनुराग सर हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैंपेन किस तरीके का है, क्या फ़ायदा इनको उम्मीद है कि इससे मिलने वाला है इस इलाके के लोगों को। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरह क्यारी बना रखी है, इसमें इसका मकसद क्या है, क्या करते हैं आप यहाँ पे? एक्चुअली देखिए, ये आप इस समय एमपीटी में हैं, ये हमारा एक, हमने डेजर्ट पार्क इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह की जो वेराइटीज़ हैं प्लांट्स की, यहाँ की जो लोकल वेराइटीज़ हैं, कुछ बाहर की वेराइटीज़ को भी हमने यहाँ पे लगाने की कोशिश किया। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास, इधर आप भजन देखेंगे, ये हमारा केर है, केर का पौधा हमने यहाँ लगाया हुआ है। उसके बाद आप एक खेजड़ी देख सकते हैं, वहाँ पे हमने खेजड़ी के पौधे लगाए हुए हैं। ठीक है, फिर क्या आपका ये भी फोकस रहता है कि जो परंपरागत यहाँ की जो वनस्पति है उसको भी संरक्षित किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो हम जो विलुप्त होने जा रहे हैं, जैसे गूगल का बताया हमने जिक्र किया, खेजड़ी का जिक्र किया, आप जाल का देख रहे होंगे, जाल कितनी अच्छी, इस जाल की कनोपी बहुत अच्छी बनती है, लोगों की मदद करती है, तो ये सब के हम लोग ही पौधे इन्हीं को प्रेफर करते हैं लगाने के लिए, और लोगों के बीच में इसके फायदे भी बताते हैं और उसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। बिल्कुल, थैंक यू। ये अनुराग सर थे, और इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ की जो परंपरागत, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो अपने आप यहाँ पर उगने वाली जो वन संपदा है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी, और केन का, वेदांता का लगातार ये प्रयास रहा है कि मरुप्रसार को रोकने के लिए वो अपनी ओर से योगदान दें, और इसमें वो काफ़ी कामयाब भी रहे हैं। केन वेदांता के इस कैंपेन के बाद यहाँ की जो लोकल पब्लिक है, आम जनता है, वो भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफ़ी जागरूक भी हुई है। कैमरा पर्सन जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, DCA न्यूज़।